हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 28 मार्च यानी कि होली, और कल है धुलेंडी। धुलेंडी पे ही हमारे यहाँ रंग खिलता है। तो आज मैं आई हूँ अपने मैके। अभी शाम को ही आई हूँ, अभी रात हो गई है, 7:30 बजे आई थी मैं। मैके और ससुराल मेरे पास ही है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 मिनट लगते हैं। और यहाँ आए के देखो बच्चे कितने मस्त हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। खिलौनों का पूरा मार्केट लगा दिया है यहाँ पर। भाभी भी नहीं है, उनका बेटा भी नहीं है, तो ये बच्चे सोच रहे थे कि मन नहीं लगेगा, लेकिन काफ़ी मन लग रहा है उनका, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो जिज्ञा कितन का मार्केट। ये धुलेंडी वाले दिन सुबह का व्लॉग है। हमारे यहाँ रात को होलिका दहन हो गया था, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और सुबह को जो अग्नि जल रही होती है उसमें जौ और गन्ने भून कर लाते हैं। ये देखो ये जौ भून रहे हैं और उसको अपने घर पे लगा लेते हैं, जो जौ भून कर लाते हैं। और इस होलिका को ठंडी भी किया जाता है। ये देखो ये भी ठंडी कर रहे हैं, दूध की लस्सी बना के इसे ठंडी करा जाता है, चारों तरफ इसके धार लगाई जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है ये सुबह का व्लॉग, और अभी हमने आपको दिखाई है होली का दहन, और अभी बच्चे रंग खेलने की कर रहे हैं तैयारी। जिज्ञा कीर्तन की घुलन लगे हैं कलर, बाल्टियों में हो गया है पानी, और जिज्ञा है रेडी। जिज्ञा पानी ज़्यादा तो नहीं हो गया था बेटा अपना? ये सही है, दूसरी बारी का इसका थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। हमारे घर के बराबर में रास्ता निकल रहा है, तो बच्चे यहाँ दीवार से खड़े होकर और उनके ऊपर कलर डाल रहे थे जो भी निकलते हुए जा रहे थे। ये देखो बच्चे वहाँ पर बहुत सारी मस्ती कर रहे थे, तो जिज्ञा कहते हैं इनके ऊपर कलर डाल रहे थे। यहाँ पर कीर्तन के पास था एक बैलून पानी वाला, ये देखो कीर्तन उसको फेंक रहे थे लेकिन वो फूट नहीं रहा था, बार बार फेंक रहे थे कीर्तन। होली खेलते खेलते जिज्ञा को मिल गया फ्लोवर, और जिज्ञा फ्लोवर तोड़ने लगी थी। यहाँ पर ये दोनों लगा रहे थे एक दूसरे को कलर, जिज्ञा के पास रेड था और कीर्तन के पास ग्रीन। यहाँ कीर्तन गुस्सा हो गए थे, हमने उसका कलर ले लिया था,
जिज्ञा ने और मैंने, और जिज्ञा बना रही है यहाँ पर रंगोली। अच्छे से होली खेलने के बाद अब हम नहा लिए थे। ये देखो मैंने और जिज्ञा ने पहने सेम कपड़े। अभी हमें खाना था। खाना हमने थोड़ा थोड़ा सुबह खा लिया था, गुंजिया वगैरह। हमारे यहाँ कचौरी जरूर बनती है। ये देखो खाने में हमारे यहाँ कचौरी जरूर बनती है, पूरी और थे मट्ठा, मट्ठे में होती हैं बढ़िया दाल की बढ़िया बनती है, वो ज़रूर डलती है। पनीर, लौकी की भूजी और थे पूड़े, मीठे पूड़े। ये देखो हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मम्मी बेटी की सेम ड्रेस आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।